नमस्कार, इजी रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे रोटी के खस्ते। जब हमारे पास कभी कभी रोटी बच जाती है, पराठे बच जाते हैं, तो उसके बहुत ही अच्छे खस्ते बनते हैं। यह हम कभी भी तल के रख सकते हैं रोटी, और कभी भी मन चाहो जब हमको चाट खाने की इच्छा हो तब यह बना सकते हैं। तो देखिए, यह है लेफ्ट ओवर पराठा। मैं इसको तल रही हूँ। इसको तेल गर्म होने के बाद हम एकदम स्लो फ्लेम में तलेंगे। अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। इसको हम निकालते से ही इसमें मसाले डालकर यदि खाते हैं तो वैसे भी अच्छी लगती है, और उसमें यदि खस्ते के जो चाट की जो सामग्री है वो यदि डालते हैं तो और भी बढ़िया लगती है। तो हम निकालते से ही उसमें नमक, मिर्ची, चाट मसाला, यह ऐसी भी अच्छी लगती है। और यदि हम इसको तल के रख दे तो जब मन चाहो जब खा सकते हैं। ये तली हुई रोटी की अब हम चाट बनाएंगे, खस्ता चाट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अब इसकी सामग्री देखते हैं। उबले हुए आलू मैश करके रखे हैं मैंने, दही फेंट कर रखा है, ये इमली की चटनी है, हरी चटनी बना के रखी है, उसमें समार, हरी मिर्च और जीरा पीस के रखा है मैंने, उसकी चटनी बना के रखी है, बारीक शेव, पिसा हुआ धनिया, नमक, लाल मिर्च, काला नमक, कटे हुए टमाटर, कटे हुए हरा धनिया और कटे हुए प्याज। सबसे पहले अब हम इसमें मैश किए हुए आलू में हरी चटनी मिक्स करेंगे। खस्ते पे लगाने के लिए मसाला तैयार करेंगे। इसमें नमक डालेंगे हम, काला नमक। अब हम इसको अच्छे से हिला लेंगे ताकि थोड़ा सा तीखापन लगे खस्ते में। अब हम इस रोटी पर पहले इमली की चटनी डालेंगे। उसके बाद आलू स्प्रेड करेंगे पूरी तरह से। आलू स्प्रेड हो चुका है, अब हम इसपे दही खटाई डालेंगे। अब हम इस पे फेटा हुआ दही डालेंगे। इमली की चटनी, इमली की चटनी यदि आपको कम चाहिए तो कम भी डाल सकते हैं। इसके बाद प्याज, टमाटर, बारीक शेव, बस समार, काला नमक, सादा नमक, यदि लाल मिर्च पसंद हो तो लाल मिर्च और भुना जीरा। खस्ता चाट तैयार है। यदि आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।